आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीडीएस 2024 के प्रिपरेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारे सीडीएस का एग्जामिनेशन है वो 1 सितंबर को होने वाला है, तो लमसम हमारे पास अगर देखें तो केवल एक ही महीना बचा है अपनी इस प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो इस एक महीने के अंदर हमें क्या ऐसी चीजें हैं जो अपनानी चाहिए और जिन्हें हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि जो हमारे प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल जा सके और जो हमारा सिलेक्शन है वो हम इंश्योर कर सकें। तो इससे पहले कि हम ये जानेंगे क्या हमें चीजें करनी चाहिए, कुछ 2-3 पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि क्या लास्ट के महीने में हमें नहीं करना चाहिए। तो लास्ट के महीने में हमें सबसे पहला क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी हमें नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है, ठीक है। नया सब्जेक्ट, नया कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं उठाना है। क्यों नहीं उठाना, क्योंकि देखो लास्ट का महीना है, आप इससे पहले 2 से 3 महीने पहले ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी सीडीएस एग्जामिनेशन की, तो उसमें भी आपने नए कंटेंट पढ़े होंगे। तो ये जो लास्ट का महीना होता है ये वो महीना होता है जिसमें आप ये जो आपने 2-3 महीने से जो भी पढ़ा है उसे आप रिवाइज करो, उसे आप अच्छे से डाइजेस्ट करो और उनके मार्क्स लगाओ, ठीक है, ना कि नया सब्जेक्ट उठाओ। क्योंकि अगर आप नया सब्जेक्ट उठाओगे तो ना सिर्फ आप वो कंसेप्ट ग्रैप्सम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डर्थ ऑफ टाइम है, एक महीना ही है, ठीक है, उसके अंदर आप प्रेशर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से वो कंसेप्ट कर भी नहीं पाओगे। और दूसरा सबसे बड़ा हार्म ये रहेगा कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है 2-3 महीने से वो आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से जो पहले की प्रिपरेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है। तो लास्ट के महीने में आपको कुछ भी नया नहीं उठाना है, जो आपने पढ़ रखा है उसी पर हमें काम करना है, ठीक है। तो क्या काम करना है, तो देखो लास्ट का महीना जो होता है हमारा 30 डेज, वो हमारा रिवीजन के लिए होता है और हमारा मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उसने प्रैक्टिस करने के लिए होता है। तो रिवीजन करने का अभी हम डिस्कस करेंगे तरीका क्या है, कितना बार हमें रिवीजन करना है, ठीक है। उसका जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी हमें नई चीज नहीं पढ़नी है लास्ट के महीने में, और लास्ट के महीने में जो हमारे हाई यील्ड एरियाज होते हैं उन पे हमें ज्यादा फोकस करना है जब हम रिवीजन करेंगे। तो हाई यील्ड एरियाज हमारे कौन से होते हैं, जैसे हम जीएस में बात करें तो साइंस जो होता है हमारा ये हाई यील्ड एरिया है, क्योंकि जो साइंस के क्वेश्चन है ये हमारे काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं और एक ही फिक्स सोर्स से आते हैं, जैसे 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है 90% क्वेश्चन हमारे वहीं से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई यील्ड एरिया है, कम मेहनत के अंदर आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये हमारा जो करंट अफेयर है, अब करंट अफेयर हमारी ऐसी चीज है कि कोई भी बंदा हो, किसी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो चाहे वो साइंस का हो, वो बंदा करंट अफेयर्स को कर सकता है। मल्टीपल टाइम्स करंट अफेयर को रिवाइज करना है, बस लास्ट के महीने में आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे रिवीजन के अंदर, ठीक है। रिवीजन से पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो लास्ट का हमारा महीना है अगस्त, यहाँ पे देख सकते हो पूरा कैलेंडर है। तो लास्ट के महीने में हमें 2 चीजें करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रिवीजन करना है हमारे, ठीक है, रिवीजन करना है और हमें जो मॉक टेस्ट है वो देने हैं। तो देखो रिवीजन हमें कब करना है, मंडे से लेकर जो फ्राइडे वाला जो हफ्ता होता है, ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे वाले जो दिन होते हैं इस बीच में हमें क्या क्या करना है, इस बीच में हमें रिवीजन करना है, ठीक है। और जो सैटरडे और संडे है जो वीकेंड होते हैं हमारे, इन वीकेंड में हमें रिवीजन नहीं करना है, इन वीकेंड में हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं लगाए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और केवल मॉक टेस्ट लगाने ही नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना केवल आधा काम होता है, मॉक टेस्ट लगा के जो आपकी मिस्टेक्स आई हैं कि जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप लैंडफॉर्म का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, लैंडफॉर्म में आप कंफ्यूज हो गए या फिर साइंस का कोई क्वेश्चन कर रहे हो वो आपके गलत हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है कि ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है अगर मैंने पढ़ रखा है ये तो ये गलत क्यों हुआ है, ठीक है। अगर गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, मैंने क्या कोई इसमें सिली मिस्टेक करी है या फिर मैं कोई जो कॉन्सेप्ट था वो भूल गया, ठीक है, या फिर इसमें कोई नया फैक्ट है जो मैंने अभी तक याद किया नहीं है, ठीक है। तो उस चीज पे फिर आपको काम करना है, तब जाके वो मॉक जो है वो देना इफेक्टिव रहेगा। दूसरी चीज क्या है, मॉक से आपको हेल्प मिल जाती है, खासतौर से इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके अंदर, कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है इसके अंदर आपको हेल्प मिल जाती है, आपको पहले से एक रफ आइडिया मिल जाता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूं ताकि जो मेरा पेपर है वो टाइम पे कंप्लीट हो और मैं बहुत ज्यादा प्रेशर फील ना करूं। तो 7-8 मॉक्स के अंदर आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यार मेरे को क्वेश्चन जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, और जो आप सिली मिस्टेक्स जो करते हो आप, ठीक है, वो भी आपकी काफी हद तक सुधर जाएंगे, ठीक है। इसलिए मॉक देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एग्जाम लाइक एनवायरमेंट बन जाता है आपको, और एक जो साइकी होती है एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अटेंड करने की वो आपके अंदर थोड़ी डेवलप होती है। इसलिए मॉक पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर से इंग्लिश का जो मॉक पेपर है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट है जिनका इंग्लिश का पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, जैसे वो S1 S6 हो गए या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए उसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, तो वो आपको मॉक्स दे के ही ये सारी जो आपकी वीकनेस है वो एलिमिनेट होगी, ठीक है। और दूसरा ये हमारा जो जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने इस चैनल पे भी जो हमारे हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, यहाँ पे देख सकते हो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर हमारी जो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है इसके अंदर हमारे थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे आज तक यूपीएससी ने, चाहे वो सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो या फिर सीएससी का एग्जामिनेशन हो, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस करें यहाँ पे, ठीक है। उनके सोर्स भी हमने फाइंड करें कि वो क्वेश्चन हमारे बुक की किस लाइन से पूछे हैं यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ से कवर कर सकते हो अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, यहाँ से हिस्ट्री के और जो ज्योग्राफी के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, रॉक्स एंड मिनरल्स हो गया, ये सारे करीब करीब हमारे 11 वीडियोस हैं, तो 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस करें। तो ये अगर आप कर लोगे तो आपका काफी ज्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगी और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिवीजन के बारे में कि रिवीजन का पैटर्न आपका क्या रहना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल कितने दिन है, हमारे पास 30 दिन है अगर हम जुलाई को हटा दें, ठीक है, तो 30 दिन है
एक महीने में, तो एक महीने के अंदर हमें 30 दिन को ऐसे मैनेज करना है कि हमारा जो रिविजन है ये भी एटलीस्ट हमारा 3 times हो जाए, ठीक है, रिविजन हमारा एटलीस्ट 3 times हो जाए। और जो बाकी के दिन बचेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था सैटरडे संडे हमारे मॉक्स के लिए होंगे, तो वो जो 10 दिन बचेंगे बाकी के, जैसे 21 days का ये पूरा शेड्यूल है, 21 days के अंदर हमारा रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बाकी के 10 दिन बचेंगे उसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो मॉक टेस्ट है और एनालिसिस है, ये आपको जो वीकेंड पे कर रहे थे तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला रिवीजन आपको जो करना है वो हमारे, जैसे मैंने बताया आपको, 3 times आपका रिवीजन मिनिमम हो जाना चाहिए पेपर से पहले। तो जो सबसे पहला आपका रिवीजन होगा वो 10 days के अंदर होगा, ठीक है, 10 days का स्लॉट होगा, उसके अंदर आप बना सकते, ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कैसे रिवीजन करना है। तो जैसे 10 days का आपने स्लॉट बनाया, 10 days के अंदर आप जो है पहले रिवीजन करोगे, जितना भी आपने अभी तक पढ़ रखा है केवल वही पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे जीएस में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, साइंस पढ़ रखा है, पॉलिटी पढ़ रखा है, ज्योग्राफी पढ़ रखा है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश के भी आपने जो रूल्स पढ़ रखे हैं उन्हें भी आपको रिवाइज करना है, और मैथ्स अगर आप आईएमए दे रहे हो तो मैथ्स भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो 10 days के अंदर आपको ये पहला रिविजन कंप्लीट कर लेना है। और इसमें दोस्तों एक भी चीज देखनी है कि जो 10 days है इसमें जो बीच बीच में वीकेंड्स आएंगे सैटरडे संडे, उनमें आपको मॉक्स भी देना है, ठीक है। उस दिन आपको रिवीजन नहीं करना है, उस दिन आपको केवल मॉक्स और जो प्रीवियस क्वेश्चंस है और उनके एनालिसिस ये करना है, ठीक है, सैटरडे और संडे 2 दिन। तो ये चीज आपको 10 दिन आपको रिवीजन करना है पहला स्लॉट। जब आपको पहले स्लॉट का रिवीजन हो जाएगा तो पहले स्लॉट का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपका क्या होगा कि जितना भी आपने पढ़ रखा है वो आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा सारा कंटेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सेकंड रिवीजन का स्लॉट आपको चालू करना है। सेकंड रिवीजन का जो स्लॉट है दोस्तों वो आपको 7 days का रहेगा, ठीक है। पहले हमारा 10 दिन का था, अब ये हम 3 दिन कम कर देंगे, 7 दिन का रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखो आपने जो पहला स्लॉट है 10 दिन का उसके अंदर ऑलरेडी काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो अब जब आप रिवाइज करोगे दोबारा तो उसमें आपको कम टाइम लगने वाला है नेचुरली, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर आप सेकंड रिवीजन अपना करोगे, ठीक है। 7 दिन का जैसे ही रिवीजन कंप्लीट होगा तो आपका जो सेकंड स्लॉट का रिवीजन ना ये भी कंप्लीट हो गया, और अब जो आपने जितना भी आपने पढ़ रखा था 2-3 महीने में कंटेंट, वो सारा आपका बहुत ज्यादा अच्छे से रिफ्रेश हो गया, ठीक है, आपके माइंड के अंदर बैठ चुका है, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो फाइनल स्लॉट है, थर्ड स्लॉट ऑफ रिवीजन है, ये आपको करना है कितने दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर केवल अपना जो रिवीजन है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत दो रिवीजन कर रखे हैं तो आपको अच्छे से कंसेप्ट पता है। तो आपको 4 दिन के अंदर जो भी आपने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर बुक्स के अंदर मार्क कर रखा है, उन्हें आपको पेजेस पलट पलट के अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये 3 revision slot जब आप कर लोगे तो जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है वो आपका कंटेंट कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, और पेपर के अंदर आप अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो टोटल हमारा रिवीजन का शेड्यूल है हमारा 21 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा अगस्त का महीना होता है, हमारा 31 days का होता है, तो हमारे पास 10 दिन बचेंगे लमसम, ठीक है। तो वो 10 दिन जैसे मैंने आपको बताया सैटरडे संडे जो आप वो करोगे, क्या बोलते हैं, मॉक्स की जो प्रैक्टिस करोगे वो सैटरडे संडे में, वो आपका 10 दिन वहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें करनी है आपको लास्ट के 1 month में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, सबसे पहले तो रिवीजन है और दूसरा आपका मॉक्स का है, मॉक्स या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने पेपर से पहले। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो मेरे को लगा कि आपको शेयर करनी चाहिए लास्ट के 1 month में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और जो ये जो हमारी प्लेलिस्ट है प्रीवियस क्वेश्चंस की, ये भी आप चेक कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।